बुधवार की शाम या यूं कहें 28 फरवरी 2024 की शाम जो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के लिए काफी खराब रही। दरअसल बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से इन दोनों ही खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है। हालांकि दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल में अपनी अपनी फ्रेंचाइजी का हिस्सा जरूर रहेंगे। दरअसल कुछ हफ्ते पहले ही बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने एक पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ी रेड बॉल क्रिकेट यानी रणजी और टेस्ट क्रिकेट के बदले आईपीएल को प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने ये बात नहीं मानी और अब ये इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हालांकि बीसीसीआई ने हाल ही में एक मेल में सभी खिलाड़ियों को ये संदेश दिया है कि सभी खिलाड़ी जो खाली बैठे हैं और क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं वो अपना समय बर्बाद ना करें और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। सवाल ये है कि बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने के मायने क्या है, मतलब क्या है, ये बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? दरअसल आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट में रहना इनके लिए काफी लाभकारी है, लेकिन बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होना इन दोनों खिलाड़ियों के क्रिकेट करियर के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अब ये कभी भी टीम इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आसान भाषा में समझे तो आईपीएल साल में महज 2 महीने में होते हैं। इसके अलावा घरेलू क्रिकेट में दर्शकों की दिलचस्पी बहुत कम होती है। नेशनल क्रिकेट में ये दोनों अब रहे नहीं, मतलब क्रिकेट करियर संकट में है। हालांकि यहाँ आपको समझना ये पड़ेगा कि क्रिकेट में ग्रेडिंग सिस्टम भी होती है जहाँ सीनियर, सब सीनियर, जूनियर और न्यू कमर को जगह दी जाती है। क्रिकेट में 4 ग्रेड होते हैं, ए प्लस, ए, बी और सी, जिसमें ए प्लस वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़ मिलते हैं, ए ग्रेड वाले खिलाड़ियों को 5 करोड़, बी ग्रेड वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ और सी ग्रेड वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ मिलते हैं। फिलहाल ग्रेड ए प्लस में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को रखा गया है। ए ग्रेड में आर अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या को रखा गया है। बी ग्रेड में सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल रखे गए हैं। वहीं ग्रेड सी में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, केएस भरत, शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा, शिवम दुबे, आवेश खान, रवि बिश्नोई, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, मुकेश कुमार और वॉशिंगटन सुंदर शामिल हैं। बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट का फायदा क्या होता है, 2 मुख्य पॉइंट से ये समझेंगे। पहला पॉइंट ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल क्रिकेटर ही बीसीसीआई की सुविधाओं का फायदा उठा पाते हैं। इनमें नेशनल क्रिकेट अकेडमी की सुविधाएं शामिल है। दूसरा पॉइंट ये है कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी चोट लगने की सूरत में किसी भी खिलाड़ी के लिए काफी अहम होता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल क्रिकेटर का इंश्योरेंस कवर होता है। मोहम्मद शमी के मामले में इसे देख सकते हैं। शमी अभी चोटिल हैं, लेकिन बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होने की वजह से उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही हैं। उनका मेडिकल खर्च भी बीसीसीआई ही उठा रहा है।